बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों वैक्सीन ना लगवाने वालों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बड़ी खबर से गा करते चलें कि हुकूमत सिंध ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया जिसके मुताबिक जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसको मस्जिद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानब से एक बार फिर इकदाम किए जा रहे हैं और NCOC की हदायत पर महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना वायरस के फैलाव की तदराक के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। महकमा दाखिला सिंध की जानब से जारी होने वाले हुक्मनामे में कहा गया है कि कोरोना वायरस ना लगवाने वाले अफराद को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ वैक्सीन अफराद को ही मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त होगी, जबकि नमाज और मजहबी इंतजाम में शिरकत के लिए भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी हो गया है। महकमा दाखिला ने हुक्म दिया है कि सुबह बाढ़ की तमाम मसाजिद में से कारपेट हटा दिए जाएँ क्योंकि कोरोना वायरस का फैलाव काफ़ी हद तक कम हो गया है। और इसी के साथ साथ हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते उनको मस्जिद में दाखिल होने से भी रोका जाएगा।